सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं इतने दिन से आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, वीडियो नहीं डाल पा रही थी। इसके लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आई होप आप सब मुझे माफ़ कर फिर से कनेक्ट हो पाएंगे, मेरी वीडियो को फिर से लाइक करेंगे, चैनल को भूल गए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना तो चैनल को फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और अच्छे अच्छे वीडियो डालने वाली हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो जो आपको बहुत यूजफुल हो। बिजी थी थोड़ी, इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। एक्चुअली मैं गांव गई थी, गांव के मैंने सारे ब्लॉग शूट किए हैं। आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो जरूर देख लीजिएगा। बहुत फेमस फेमस जगह की मैंने वीडियो बनाए हैं, बहुत अच्छी जगह है। जब भी आप वहां जाए तो हाँ वहाँ घूमने जरूर जाए। वीडियो को फिर से वही प्यार देंगे, वही सम्मान देंगे। तो चलिए सारी बातें जाने देते हैं। बहुत सारे आपसे बातें करनी है, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं अलग से सारी वीडियो बनाऊंगी। आप दाग धब्बे हो रखे, पिंपल्स के बहुत दाग हो रखे, यहाँ पे भी हुए हैं जो अभी दिख नहीं रहे हैं। निकलते थे क्योंकि गर्मी थी, बारिश की वजह से भी, और गर्मी की वजह से पिंपल्स बहुत निकलते जिसके दाग रह जाते थे, दाग धब्बे रहेंगे, पिंपल्स वगैरह रहेंगे। तो मैं इसकी कितनी भी गोरी हो अच्छी हो लेकिन वो अच्छी नहीं लगती है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑल मैं अपना स्किन यही ट्रीटमेंट चालू करना चाहती हूँ, अपनी स्किन में जितने भी पिंपल्स हो रखे हैं, पिंपल्स के दाग हो रखे हैं, उसको क्लियर करना चाहती हूँ। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप साइड में देख सकते हैं, मैंने लिया है ग्रीन टी। सबसे मेन इंग्रेडिएंट है ग्रीन टी। ग्रीन टी अगर आपकी स्किन के पिंपल्स के दाग हो रखे हैं, पिंपल्स बहुत ज़्यादा आते हैं बारिश में, गर्मी में, कोई भी सीजन में आपके पिंपल्स आते हैं, तो सबसे रामबाण दवा है ग्रीन टी। ग्रीन टी सबके घर में अवेलेबल होती है, इजिली मिल जाती है मार्केट में भी, अगर नहीं है तो आप बैग इस तरह से आप फाड़ के इसको निकाल लीजिए ग्रीन टी लीव्स को, और इसमें पूरा एक बैग डाल दीजिए। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी एलोवेरा जेल, एक चम्मच के करीब एलोवेरा जेल डालूंगी। एलोवेरा से जो हमारी स्किन स्मूथ रहती है, हमारी स्किन बेदाग रहती है, चमकदार होती है। बहुत सारी खासियत है एलोवेरा में जो आपको पता है। तो एक चम्मच एलोवेरा लूँगी मैं। अब इसमें मैं डालूंगी एक चम्मच चावल का आटा। जी हाँ, चावल का आटा एंटी एजिंग का काम करता है, स्किन को ब्राइट बनाता है, स्किन को गोरी बनाता है। कोरियंस गर्ल्स अपने डेली के रूटीन में चावल के का जरूर यूज करती है, इसीलिए उनकी स्किन इतनी चमकदार, गोरी और स्मूथ और बेबी स्किन होती है। और मैं इसमें डालूंगी एक दो तीन बूंद एसेंशियल ऑयल की। आपके पास कोई सा भी एसेंशियल ऑयल, मेरे पास ऑरेंज एसेंशियल ऑयल तो मैं वही डालूंगी, दो तीन है तो ऑप्शनल है, नहीं है तो कोई बात नहीं, है तो डाल दीजिए। और मैं एक विटामिन ई की कैप्सूल डालूंगी, विटामिन ई की कैप्सूल डालूंगी। विटामिन ई से हमारी स्किन जो ब्राइटनेस आती है, हमारी स्किन मॉइस्चराइज रह देती है, उसकी जो गुड्डे से आपस में मिल जाए सारी चीज़ों को। 5 मिनट इसको ऐसे मिक्स करके रख दीजिए। अगर पेस्ट बना लीजिए, चाहे तो आप इसमें कच्चा दूध डाल के बना लीजिए, चाहे तो आप गुलाब जल डाल के बना लीजिए, चाहे तो पानी आपके पास जो भी हो अवेलेबल उस समय उसी चीज़ से आप उसको मिक्स कर लीजिए। मैं आप जल डाल रही हूँ, गुलाब जल से इसको मिक्स कर ले रही हूँ अच्छे से। इस तरह से मिक्स करने के बाद आप इसको अपनी स्किन को, सबसे पहले आप इसकी स्किन को मेकअप लगाया है तो मेकअप को रिमूव कर दीजिए, स्किन को फेस वॉश कर लीजिए, उसके बाद सूखने दीजिए। उसके बाद से आप इसको अच्छे से लेयर लगा लीजिए। लेयर लगाने के बाद आप देखते इसको सेमी ड्राई होने दीजिए 10 मिनट तक। 10 मिनट तक बाद सेमी ड्राई हो जाए तो आप उसको हल्के हाथ से धीरे धीरे मसाज करके आप इसको निकाल लीजिए। तो इस तरह से मैं और सादे पानी से मैं इसको धो लिया। तो देखिए मेरे पहले स्किन बहुत ज़्यादा स्किन तरोताज़ा लग रही है और स्किन में ब्राइटनेस आ गई, थोड़ी सी जान आ गई है। तो एक दिन में छूमंतर नहीं होता ये सारी चीज़ें, वह मेरी रेमेडी है तो धीरे धीरे वर्क करती हैं, बट इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, बहुत अच्छी होती है, होममेड चीज़ें होती हैं तो भी अच्छी रेमेडी बहुत अच्छा वर्क करती है हमारी स्किन पर। आप मेरे कहने पे मत जाइएगा, इसको यूज करके लगाइएगा, फिर देखिएगा आपकी स्किन पहले से बहुत बेदाग हो जाएगी, बिल्कुल पिंपल्स वगैरह आने बंद हो जाएंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स आते हैं तो आप स्किन आप टोनर यूज करिए ग्रीन टी का। ग्रीन टी अपने डेली रूटीन में जरूर यूज करिए, अगर ज़्यादा आपके पिंपल्स आते हैं तो इसके टोनर आते हैं ग्रीन टी के, ग्रीन टी एसेंशियल ऑयल आते हैं, ग्रीन टी जेल आता है, बहुत सारी चीज़ें आती है, वो आप यूज कर सकते हैं अपनी स्किन पर, आप पिंपल्स नहीं आते। तो इस तरह आप इसको लगाने के बाद देखिए, आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो कैसा लगा वीडियो? आई होप आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन प्रेस करिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, और फ्रेंड में शेयर जरूर करिएगा जिससे
सबको ये पता चल सके हाँ मैं कम बैक कर चुकी हूँ, तो फ्रेंड में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, इंजॉय करते रहिए वीडियो और लाइफ को।